कैसे हो मेरे चाहने वालों, मैं आ चुका हूँ वापस से एक और नया वीडियो लेके। एंड देखो, इस बार मैंने ये सोचा था कि मैंने एक वीडियो बना लिया है बिग बॉस पे, ये काफी है, इससे ज्यादा मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर मैंने ये चीज सुनी, पूजा भट्ट बोलती है कि जब मैं आई थी घर पे तब मैं रैंक 1 लेके आई थी। एंड फुकराजन पूजा भट्ट को उस टाइम बोले थे कि रैंक 1 आप नहीं थी, मैं था। बाद में जो पैनलिस्ट थे उन्होंने मेरे को नंबर 6 में ला दिया था। फिर भी पूजा भट्ट नहीं मानती ना, उनका कहना है कि ऑडियंस के हिसाब से वो नंबर 1 होके आई है। देखिए, आदरणीय श्री महेश, मेरा मतलब है महेश भट्ट की सुपुत्री पूजा भट्ट जी, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आपको कौन सी जनता जानती थी जिसने आपको जाकर जियो सिनेमा पे आपको वोट करा और नंबर 1 डाला? नहीं, ऐसा कौन सा आप डिल्यूजन में जी रहे हो कि भाई मेरे को जनता ने वोट करके नंबर 1 डाला है? अरे भाई, कौन सी जनता? देखो पूजा जी, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि देखो, जितना दिमाग आपने परवरिश वर्ड को यूज करके अभिषेक को डिफेम किया है ना, उतना दिमाग अगर आप अपने करियर पे लगा देते तो आज सबको पता होता कि महेश भट्ट की जो है वो 2 बेटियां है, एक आलिया भट्ट और एक पूजा भट्ट। देख रहे हो विनोद कैसे दिमाग से खेला जा रहा है? परवरिश ऐसी हुई है। एंड देखो, टू बी ऑनेस्ट, ये जो चीज यहाँ पर की जा रही है ना, इसको मेंटल हैरेसमेंट ही बोलते हैं। बिकॉज भाई, तुम किसी एक बंदे को बस गुस्सा दिलाने के लिए, उसके पॉइंट्स को ट्रिगर करने के लिए तुम क्या कर रहे हो, तुम उसके पेरेंट्स को नीचा दिखा रहे हो। ये कौन सा फेयर गेम प्ले हो रहा है यहाँ पर? एंड पता है इसमें सबसे आगे कौन सी इंसान होगी? तुम लोग गैस करो, वही इंसान जो सबसे ज्यादा महेश भट्ट की जो बेटी है पूजा भट्ट के साथ जो रहती है, यस, टुनटुन मौसी। पहले तो मुझे एक बात बताओ, इसको तुम टुनटुन मौसी बोल क्यों रहे हो? इसका और टुनटुन मौसी का कोई कंपैरिजन नहीं है। एक टुनटुन मौसी है जो भीम को लड्डू खिलाती है, बड़े प्यार से लड्डू बनाती है, और एक ये है जो दूसरों को बस गालियां खिलवाती है, खुद भी खाएगी दूसरों को भी खिलाएगी। गाली दे रहा है कोई? और एक सेकेंड, इसने तो कुछ ये किया था ना, मैं नहीं बनाऊंगी इन दोनों की रोटियां। हाँ, मतलब तुम अभिषेक के लिए और जैड के लिए रोटी नहीं बनाओगे जस्ट बिकॉज तुम उनसे गुस्सा हो? कुछ भी। देखो, एक टुनटुन मौसी नहीं हो सकती। एंड शक्ल की बात कर ही रहे ना, हाँ, बस इसको, इस पर अभी पॉज करो और इसको जूम करो एक बार। ये हंसी देख रहे हो, ये कौन से जगह से रियल वाली हंसी है? इतनी फेक हंसी, लाइक मैं सही में बता रहा हूँ, मैं जब भी इसको हंसते हुए देखता हूँ ना, मुझे अंदर से ही गुस्सा आ जाता है। इतना हाइपर हो चुका है मेरा गुस्सा। देखो, अगर तुमको इसको अभिषेक के साथ शिफ्ट करना है ना तो तुम कर सकते हो, लेकिन ना तुम्हारा ही दिल टूटेगा, क्योंकि जब ये बंदी अपना दोगलापन दिखाएगी, जो कि ये दिखाती है, ये अभिषेक को पीठ पीछे गाली देती है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये चीज समझ नहीं आती कि ये भाई सांप है, सांप। सांपों से भरा है ये पूरा समंदर। हाँ, वो जो समंदर है ना, उसमें ये फिर अविनाश, ये सारे सांप ही भर रखे है। बात तो सही है। और पता है इनका सपेरा कौन है? महेश। पता है यहाँ पर ना, मुझे साफ दिख रहा है कि ये जो टीवी वाले सो कॉल्ड वो जर्नलिस्ट पैनलिस्ट लोग जो आए थे ना पहले दिन, और जो इनका प्रोडक्शन हाउस है, ये पूजा भट्ट को जिताने के लिए और यूट्यूबर्स को स्पेशली डिफेम करने के लिए ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं ना, जिसके बारे में ना मुझे बात ही नहीं करनी। मतलब तुम खुद सोचो, अगर तुमने बिग बॉस के पुराने सीजन देखे हैं तो तुमको ये चीज पता होगी कि कितने लोगों ने यहाँ पर गालियां दी है। और वो पुराने सीजन छोड़ो, ये OTT में भी कितने लोगों ने गालियां दी है, लेकिन उसमें से किसी चीज को पॉइंट आउट नहीं करेंगे। लेकिन किस चीज को पॉइंट आउट करेंगे? इसको, जहां पर बंदे ने गाली भी नहीं दी है। तुम किसी बंदे को डिफेम करने के लिए कितना नीचे गिर सकते हो, मतलब कितना नीचे गिर सकते हो? बट है, कभी तुमने किसी इंसान को अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए देखा है? हाँ, नहीं देखा ना। मैं आज तुमको दिखाता हूँ, ये भैंस, ये टुनटुन मौसी, यस, इसको तुम देखो ध्यान से। और इसको देखने के बाद ना, अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, ये निश्चय को बोलती है कि ये उससे प्यार करती है। निश्चय, हनी, आई थिंक यू विल सूट मी बेटर। इतने झूठ मारूंगा, मतलब लिटरल प्यार, जिस इंसान को तुम मिले नहीं हो, जिसको तुम जानते नहीं हो, जिसको तुम देखे नहीं हो, जस्ट बिकॉज तुमको पता है कि वो बंदा बहुत सक्सेसफुल है, उसको तुम बोलते हो कि तुम उससे प्यार करते हो। क्या माल है यार, व्हाट आयरनी पता है क्या है इसमें? ये बंदी जाकर अभिषेक को उसके परवरिश के लिए टोकती है, एंड फिर उसी के भाई को, जिसके सेम पेरेंट्स है, जिसकी सेम परवरिश हुई है, उसी को आई लव यू बोलेगी। ये बोलने के बाद ना, अगर मैं होता तो मैं खुद अपना मुंह चुल्लू भर पानी में डूब मारता। इसको तो चुल्लू भर से ज्यादा पानी लगेगा, कोई बात नहीं, मुझे भी ज्यादा लगेगा। देखो, देयर इज अ रूल इन कॉमेडी कि अगर तुम ब्लैक हो तो तुम ब्लैक जोक्स मार सकते हो, तुम मोटे हो तो तुम मोटे वाले जोक्स मार सकते हो। तो मैं उसी रूल का यूज करके ये जोक मार रहा हूँ, ठीक है? आपको ऑफेंड मत हो जाना। मुझे बताए, तुम लोगों को बहुत मजा आ रहा है जब इसकी धजिया उड़ रही है,
तो हाँ बस खुश रहो और कमेंट मत करो। लेकिन देखो जब तुम लोग ये सब चीज कर ही रहे हो तो मुझे ना एक चीज याद आई, मैंने बिग बॉस में एक चीज बहुत ज्यादा नोटिस करी है। एक्चुअली मैंने दो चीज नोटिस करी है। क्या तुमने कभी सलमान खान को किसी से डरते हुए देखा है? नहीं देखा ना? नहीं। मैंने देखा, मैंने सलमान खान को पूजा भट्ट से डरते हुए देखा है। तुमने ये नोटिस करा कि सलमान खान ने कभी भी पूजा भट्ट को डांट नहीं लगाई, उसकी क्लास नहीं ली, जबकि सब की कर चुके हैं वो, लेकिन पूजा भट्ट की नहीं करी। क्यों? क्योंकि उनके पापा कौन है? महेश भट्ट, इसीलिए नहीं करी। एंड देखो मैंने दूसरी चीज पता है क्या नोटिस करी पूजा मैम के बारे में? पता नहीं 24 घंटे कुछ ना कुछ चबा रही है। और फिर मैंने एक चीज रिकॉल करी, मैं देखो मजाक नहीं कर रहा, मैं जब भी किसी इंसान को 24 घंटे चबाते हुए देखता हूँ तो मुझे भैंस की फोटो याद आती है। क्यों आती है मुझे नहीं पता, बट आती है। एंड अपेरेंटली ये लोग जो ये चीजें चबा रहे हैं ना, जो मुझे लगता है जहां तक, वो निकोटीन के टैबलेट से, बिकॉज ये जो टैबलेट होते हैं वो तुमको ना सिगरेट की वो जो लत होती है वो छोड़ने में मदद करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर ये छोड़ने के लिए यूज नहीं कर रहे, ये अपनी जो इमेज है उसको अच्छी करने के लिए यूज कर रहे हैं कि भाई हम तो स्मोकिंग वोकिंग करते नहीं है। और स्मोकिंग से याद आया, ये क्या था? इन लोगों ने आपको नहीं देखा? देखा, पूरा देखा। अरे यार हो गई ना एडिटिंग में गड़बड़, पकड़े गए सलमान सर, पकड़ लिया साड़ो। एंड देखो अभी तो मुझे ये भी पता चला है कि एल्विश भाई का हो चुका है स्वागत बिग बॉस OTT के अंदर। देखो जिस तरीके से इन दोनों ने एक दूसरे को हग करा है, मैं तो चाहता हूँ कि भाई यूट्यूबर ही इस कॉम्पिटिशन को जीते, यूट्यूबर्स ही इस कॉम्पिटिशन के फाइनल राउंड में आए। एंड पता है एल्विश यादव को लाने का रहा सबसे बड़ा चीज क्या है? इनको अपेरेंटली अब पता चल चुका है यूट्यूबर्स की पावर क्या होती है, क्योंकि ना अब गेम पूरा ही वन साइडेड हो चुका है। लाइक अगर तुम अभिषेक के सामने किसी को रखोगे टक्कर के लिए तो कोई नहीं दिखेगा, कोई नहीं मिलेगा जो अभिषेक को टक्कर दे सकता है अभी। लेकिन अगर तुम एक और यूट्यूबर को लाओगे तो वोट्स बढ़ जाएंगे। और पता है इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? इससे सबसे ज्यादा फायदा वाला है महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट को, क्योंकि पता है अपेरेंटली अब क्या करने की ट्राई की जाएगी, अभिषेक और एल्विश को ना तोड़ने की कोशिश की जाएगी, उन दोनों के बीच में झगड़ा करवाने की कोशिश की जाएगी। एंड आई एम डैम श्योर कि ये दोनों इतने स्मार्ट है कि ये इस चाल में नहीं फंसने वाले, ये दोनों एक दूसरे से तो झगड़ा नहीं करेंगे, बिकॉज यार दोनों के बीच में भाई वाली बॉन्डिंग है। और ये जो पेड PR वाले जो ये ट्वीट करते हैं, सालो बता रहा हूं चप्पल फेंक के मारूंगा तुम लोगों को, चुप हो जाओ, चुप कर बे कुत्ते, ठीक है? ये जो तुम लोग ये जो ट्वीट वगैरह देखकर तुम में से भी जो लोग कमेंट करते हैं ना कि अभिषेक भाई ने तो दिल तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, भाई झगड़े सबके बीच में होते हैं। देखो कोई अच्छा बुरा नहीं होता, ये शो ही ऐसा है जहां पर ना ये अपने बॉलीवुड वालों को ऊपर दिखाने के लिए ना दो लोगों में लड़ाई करवाते हैं। और मैं तुमको बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा, फाइनल में पक्का यूट्यूबर्स ही जाएंगे और यूट्यूबर्स ही जीतेंगे इस कॉम्पिटिशन को। और अगर तुमको भी ये चीज लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। तब तक ले महेश, ओए इतने दिन से कॉलेज नहीं गया, चल क्या रहा है कॉलेज में?